वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी एस एक्सलेंस एजुकेशन। हमने पॉलिटी पढ़ना शुरू किया था जिसमें मैं ऑलरेडी एक क्लास दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको संविधान के बारे में बताया था कि संविधान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे जब अंग्रेजों ने कहा कि अब हम सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे, जो हमारी सारी की सारी पावर्स हैं वो इंडियंस को मिलने वाली थी, तो 30 से 40 करोड़ की आबादी को संभालने के लिए एक सिस्टम की रिक्वायर्ड थी, इसलिए हमने संविधान सभा को बनाया। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था कि एक कैबिनेट मिशन भारत आता है 1946, जिसमें तीन मेंबर्स भारत आते हैं, अलेक्जेंडर क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं पैथिक लॉरेंस को। और क्या डिसाइड होता है, वो हमें एक सुझाव देते हैं कि अपने बड़े बड़े लीडर्स को इकट्ठा कर लो और अपना सिस्टम आपने खुद चलाना है तो उसके लिए एक संविधान सभा का संगठन कर लो, उसमें अपने लीडर्स चुन लो। अब क्वेश्चन मार्क क्या था कि वो लीडर्स कैसे चुने जाएंगे, तो कुछ नॉमिनेटेड होकर आए थे तो कुछ इलेक्टेड होकर आए, जिसमें मैंने आपको आंकड़े बताए थे। टोटल 389 पर्सन्स आए थे, जिसमें 93 देशी रिसायतों में से आए थे, देशी रिसायतें थी, और इसके अलावा 4 जो है वो कमिश्नरी प्रांत थे, जो मैंने आपको ABCD बताए थे, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, 4 उनमें से आए थे। इसमें से 73 लोग ऐसे थे जो मुस्लिम लीग के थे। ये सब कुछ हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, आज हम उसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे। अब 2 साल 11 महीने 18 दिन इसके ऊपर काम हुआ, लगातार काम नहीं होता, काम जो है वो डेज में होता है। कुछ कमेटीज बनाई गई, जैसे झंडा कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, कुछ उसके अध्यक्ष बनाए गए। इसके अलावा मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ डेट्स बताई थी कि पहली बैठक जो हुई, अभी हम आज़ाद नहीं हुए थे, 9 दिसंबर को दिल्ली में संसद भवन में पहली बैठक की जाती है, जिसमें मुस्लिम लीग नहीं आती है और 93 देशी रियासतों के बंदे भी नहीं आते हैं, तो सिर्फ 207 मेंबर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। और फिर क्या होता है, एक अस्थाई अध्यक्ष चुने जाते हैं, कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अचानक से तबीयत खराब होने की वजह से 11 दिसंबर को फिर से बैठक होती है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा फिर 13 दिसंबर को एक उद्देश्य प्रस्ताव आता है, जो कि हमारी प्रस्तावना का मूल ढांचा बनता है, पंडित नेहरू उसको पेश करते हैं। देन उसके बाद फाइनल बैठक होती है 22 जनवरी को, जिसमें वो उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। और जो आखिरी बैठक होती है वो होगी आपकी 24 जनवरी 1950 को। तो ये सारी पिछली कहानी थी जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताई थी, आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। अब एक बहुत बड़ी कमेटी बनानी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका एक कच्चा खाका अगर मैं बताऊं तो तैयार किया था बी एन राव ने एक कच्चा, जो संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, बाकी सब क्या कर रहे थे, संविधान में काम करने के लिए, जो अपनी फैमिली को चलाने के लिए देश से पैसे ले रहे थे, बट बी एन राव ऐसे पर्सन थे जिन्होंने 1 रुपया भी संविधान लिखने के लिए या काम करने के लिए नहीं लिया, और वो मेंबर भी नहीं थे। लेकिन अगर हम एक ड्राफ्ट की बात करें कि कैसे वो ड्राफ्ट बना, तो उसका कच्चा खाका इन्होंने तैयार किया। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, जिसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। सबसे बड़ी अगर कमेटी पूछ लें तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसमें 7 मेंबर्स की कमेटी थी, और उसके जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो हैं B.R. अम्बेडकर। अब मैं B.R. अम्बेडकर की अगर आपको थोड़ी सी कहानी बताऊं कि वो कैसे चुने गए थे, मैंने आपको बताया था कुछ इलेक्शन से आए थे, कुछ नॉमिनेटेड होकर आए थे। तो B.R. अम्बेडकर ने जो अपना नामांकन भरा था वो भरा था मुंबई की सीट से, उस टाइम पर गुजरात, मुंबई सब एक ही था, बहुत बड़ी सीट थी, वहाँ से B.R. अम्बेडकर ने अपना नामांकन भरा। लेकिन उस टाइम पर बहुत से लीडर्स जो हैं इनके एंटी थे, ये उन्होंने खुद अपनी एक बुक में लिखा है, और ये जो है वहाँ की सीट से हार गए। लेकिन किसी भी तरह से उन्हें संविधान सभा का मेंबर बनना था, तो वो दोबारा अपना नामांकन कहाँ से भरते हैं, पूर्वी बंगाल की सीट से, जो उस टाइम पूर्वी पाकिस्तान था। अगर आप मैप को समझते हो तो हमें ऐसे, ये है मान लो पाकिस्तान और ये था बंगाल, हमें वेस्ट बंगाल मिला है और पूर्वी पाकिस्तान मिला है, ऐसे ही होता है ना। तो उस टाइम पर जो पार्टीशन हुआ, असली पार्टीशन का मतलब पता ही इन लोगों को चला था, जिनके गांव कैसे बसे थे, आधा इधर सेम बंगाल की अगर हम बात करें तो आधा इधर। तो उन्होंने दोबारा अपना नामांकन कहाँ से भरा, ये सब बातें हो रही है जुलाई 1946 की, उस टाइम पर इलेक्शन चल रहे थे, यहाँ से अपना नामांकन भरते हैं और मुस्लिम लीग की वजह से यहाँ से जीत जाते हैं। बट जब 1947 में डिवीजन होता है तो ये सीट कहाँ चली गई, पाकिस्तान में, तो इनकी मेंबरशिप भी खत्म हो गई। लेकिन जो बी एन राव थे, इन्होंने ये चीज़ इतनी ज़्यादा ऑब्जर्व कर ली थी
इसी भी तरह से इन मेंबर को यहाँ पर संविधान सभा में लेकर आना है। अब ये बात करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था, उनसे बात करते हैं कि किसी भी तरह से बी आर अम्बेडकर को यहाँ पर लेकर आओ। अब मुंबई की सीट से तो हार चुके थे, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बात करते हैं यहाँ के हेड से, जो मुंबई की सीट के हेड थे उस टाइम पर, यहाँ के एक लीडर एम आर जयकर, वो इस्तीफा देते हैं और उनकी सीट पर दोबारा कौन आते हैं, बी आर अम्बेडकर चुनकर आते हैं। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि वो हारे कौन से सीट से थे, मुंबई से, जीते कहाँ से थे, पूर्वी पाकिस्तान से, लेकिन फिर संविधान सभा के मेंबर बने कहाँ से हैं दोबारा, जहाँ से वो हारे थे। तो ये थी बी आर अम्बेडकर जी की कहानी। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी पर हम पहुँच चुके थे। ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं बी आर अम्बेडकर। बी एन राव एक ऐसे चेहरे थे जो बिना किसी अमाउंट के काम करते थे और ब्रह्मा के संविधान में भी इन्होंने काम किया है। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हेग नीदरलैंड में है, हेग नीदरलैंड में है, वहाँ पर भी इंडिया को रिप्रेजेंट करने कौन जाते हैं, बी एन राव। वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे इनके बारे में, आज हम सिर्फ संविधान के बारे में पढ़ते हैं। अब इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया। फाइनली मैंने आपको बताया जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो 284 लोगों के इस पर दस्तखत हैं। अब संविधान में लिखा क्या गया है और क्या बना, अब सबसे पहले पूछ लेंगे जो इलेक्शन हुए डायरेक्ट हुए थे या इनडायरेक्ट हुए थे। प्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन नहीं हुए, मतलब आम जनता ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। इनडायरेक्ट रूप से बड़े बड़े लीडर्स इसमें गए थे और उनके चुनाव हुए थे, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से जो है चुनाव होते हैं। उसके बाद क्या होता है, काम शुरू होता है 26 जनवरी 1949 को। अगर हम बात करें 26 जनवरी 1949, संविधान जो है वो बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया 26 जनवरी 1949। अब ये इस दिन अगर बनकर तैयार हो गया था तो इसे पेश 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, 2 महीने पहले भी तो हम अपना कानून इसमें जो है कुछ आर्टिकल्स चला दिए गए थे, जैसे 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो आज आर्टिकल बढ़कर 450 प्लस हैं, अनुसूचियां 8 से 12 हो चुकी हैं, भाग जो है 22 ही हैं, बट 25 हम करते हैं, लेकिन उनके जो नंबर्स हैं वो नहीं बदले गए, नंबर सिर्फ अनुसूचियों के बदले गए हैं, बाकी सब इसमें ABCD ऐड किया गया है, आर्टिकल्स में भी और भाग में भी, पार्ट्स में भी ABCD करके ऐड किया है। सेम पार्ट्स पे भी मैं वीडियो लगातार लेकर आ रही हूँ, 4 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके आगे के भी हम डिस्कस करेंगे। अब ये 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया, इसमें से कुछ आर्टिकल्स जो है उस दिन लागू भी कर दिए गए, लेकिन इसे 2 महीने बाद क्यों लागू किया गया, अगर मैं एक तारीख आपको बताऊं, 26 जनवरी 1930, इस दिन क्या करते थे हम जो है एक संवैधानिक जो है स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, कि हमारे पास कुछ भी पावर्स उस टाइम पे नहीं थी, हम आज़ाद नहीं हुए थे, बट हम आज़ादी डे मनाते थे। कब, 26 जनवरी को। कब से मना रहे थे, 1930 को। अगर आपने कांग्रेस की मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको कांग्रेस के अध्यक्ष बताए थे, तो 31 दिसंबर 1929 कांग्रेस की बैठक होती है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर की रावी नदी के तट पर एक वर्ड यूज करते हैं, पूर्ण स्वराज, कि हमें अपना पूरा स्वराज चाहिए और हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं जिसमें हमें पूरा स्वराज चाहिए था। तो हम 26 जनवरी 1930 से इसे मना रहे थे, हर साल मार खाते थे, अंग्रेज दंगे करते थे, बहुत कुछ होता था, लेकिन 17 साल तक हमने ये स्वतंत्रता दिवस अपना मनाया। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया, बड़े बड़े लीडर्स ने, कि हम चाहते हैं कि एक इतिहास का जो हमारा ऐतिहासिक दिन है उसे याद रखा जाए, तो 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान जो है लागू नहीं किया। वो लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। तो अब 2 महीने का गैप आया। अब उस दिन जो है बहुत 284 लोगों ने टोटल साइन किए, कहा यह जाता है कि 11 पेज जो है सिर्फ साइन से भरे हुए हैं कि इतने लोगों ने साइन किए थे। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसमें लिखा क्या गया है, पूरे के पूरे अगर हम स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज की बात करें तो उसमें हमारी प्रस्तावना है जिसे हम एक अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। उसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को, मतलब पूरे के पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये अकेला सिर्फ इन मेंबर्स का जो है संविधान नहीं था,
हेडिंग क्या दिया गया, भारत का संविधान, और प्रस्तावना फर्स्ट फेज में लिखा गया है हम भारत के लोग भारत को, मतलब अगर क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि प्रस्तावना में भारत वर्ड कितनी बार आया, तो 2 बार आया। इसके अलावा कि पूरे के पूरे भारत को प्रेजेंट कर रहे हैं कौन, ये जो 284 लोग थे या फिर जितने भी संविधान सभा के मेंबर्स थे। अब एक चीज और ध्यान रखना कि इन्होंने साइन किए और जो प्रस्तावना था वो किसका मूल आधार माना गया था, उद्देश्य प्रस्ताव का। और ये भी कहा जाता है कि ये सब कुछ जो है कहीं ना कहीं से कॉपी किया गया। हाँ कॉपी किया है, लेकिन कुछ अच्छी चीजें जो है वो कॉपी कर लेते हैं। B.R. अंबेडकर को ही संविधान का पिता कहा जाता है, संविधान का जनक कहते हैं। इसके अलावा जो K.V. राव है, उन्होंने B.R. अंबेडकर को क्या कहा है, संविधान की जननी, मतलब माँ का भी दर्जा दिया है कि इन्होंने, K.V. राव ने। और जबकि वैसे कौन है संविधान के जनक, कौन है, B.R. अंबेडकर, वैसे संविधान की जननी कौन है, तो वो है ब्रिटेन का अलिखित संविधान। ऐसे ही कुछ अच्छी चीजें अगर हमें कहीं से मिली हैं तो उसको उतारने में कोई भी बुराई नहीं है। B.R. अंबेडकर को किसी ने कहा था कि आपने सब कुछ कॉपी कर लिया, तो उन्होंने यही लाइन्स कही थी कि अगर हमें कहीं भी किसी भी देश से कुछ भी अच्छा मिला है तो हमारी जो कमेटी बनी, हमारी सभा बनी, इतने टैलेंटेड लोग थे, हमने सब कुछ सारे देशों का अच्छी अच्छी चीजें निकाल कर अपने संविधान में लिखी हैं। तो हम इसके आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये सारी की सारी एक कहानियों की फॉर्म में मैं आपको सुना रही हूँ, ये फैक्ट्स रटने नहीं होते। अभी आपके पास बहुत टाइम है, हम किसी भी एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहे हैं, तो अभी सिर्फ कहानियों के फॉर्म में सुनते चलो। फिर जब कोई एग्जाम नियर होगा, किसी भी बुक में से पढ़ लेना, आपको ये सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना फॉर लेटेस्ट अपडेट। खुश रहो, हेल्दी रहो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।